तो भाई लोग मेजर लीग क्रिकेट 2024 का जो मैच नंबर 18 है ना, इसमें सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न के सामने होगा सीटल ऑर्कस। देखो भैया, जो सीटल ऑर्कस है लगभग प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो चुका है, वहीं बात करें सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स की, तो दूसरी टीम बन गई है क्वालिफाई करने वाली। पहली है वॉशिंगटन फ्रीडम, दूसरी है सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स। तो एक तरफ फिसड्डी टीम है, एक तरफ तगड़ी टीम है, तो आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम मैच जीतेगी? तगड़ी वाली टीम मैदान फतेह कर लेगी, या जो फिसड्डी वाली टीम है वो करेगी पलटवार, लेगी पिछली हार का बदला? चलो इन लासेस करके जानते हैं कौन सी टीम आज का मैच जीतेगी। हेड टू हेड की बात करें तो इन दोनों टीमों के बीच में अभी तक दो मैच खेले गए, दोनों टीमों ने एक एक मैच अपने नाम पे किया। जो इस सीजन एक मैच खेला गया उसे सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स ने अपने नाम पे किया, जो पिछले सीजन एक मैच खेला गया था उसे सीटल ऑर्कस ने अपने नाम पे किया था। तो अभी मामला बराबर का है, तो आज जो टीम जीतेगी वो आगे चली जाएगी। तो कौन जीतेगा चलो पता लगाते हैं। बस उससे पहले वही भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि यार मैं तुम्हारे लिए मेहनत करता हूँ तो भाई का सपोर्ट करना बनता है ना, इतना तो कर ही सकते हैं। और हाँ, मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि भैया टेलीग्राम पे मैं जिस टीम को बोलता हूँ कि ये टीम मैच जीत सकती है, लगभग वो टीम मैच जीत जाती है। जिस ओवर में बोलता हूँ कि विकेट जाएगा, लगभग उसी ओवर में विकेट जाता है। 5-10-15 ओवर में जितने रन बोलता हूँ बनने के लिए, लगभग उतने ही रन बनते थे। इतनी ज़बरदस्त अपडेट आपको कहीं मिलेगी ना जी, ना कहीं और ना मिलेगी, आपको यकीन नहीं। तो हाँ, ऐसा करो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी। अप्सरा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, जाओ ज्वाइन करो। जो आज का मैच है, इस मैच में ना जो भाई की अपडेट है ये आपको चेक करना है। अगर आपको मेरी सारी अपडेट पसंद आती है, सारा काम आपको सही सही मिलता है, तो टेलीग्राम पे बन जाना, टिक जाना, कहीं जाने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर काम पसंद ना आए तब आप रुकेंगे नहीं, मैं आपको रोकूंगा नहीं, वैसे भी आपको कोई रोक नहीं सकता, तब आपका जैसा दिल करे वैसा करें, लेकिन एक बार टेलीग्राम पे जरूर जाएं, भाई का काम चेक करें, फिर आपको जैसा सही लगे वैसा करना चाहिए। तो भाई लोग, ये जो मैच है ना, संडे 21 जुलाई इंडिया टाइम अनुसार 6 AM यानी वही बिल्कुल मॉर्निंग में कुकड़ू कू करके ये सिक्का उछालेंगे। ये जो मैच है ग्रैंड पेरिस स्टेडियम डालसे में खेला जाएगा। इस मैदान पर अभी तक 19 मैच खेले गए, जिसमें से 12 मैच में क्या हुआ टारगेट डिफेंस, 7 मैच में क्या हुआ टारगेट चेज। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो डिफेंड ज़्यादा होता है, पता है क्यों होता है आगे बताऊंगा। बस अभी इतना जान लो कि पहली इनिंग के मुकाबले दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करना मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पे डिफेंड थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जो एवरेज स्कोर है 167 रन। टारगेट चेज की बात करें तो 159 के नीचे स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकते हैं। टारगेट डिफेंड की बात करें तो 175 प्लस अगर स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकते हैं। 159 से 175 के बीच में स्कोर होगा तब समझ जाना कि जो मामला है वो बराबर का है, जो कि चेंज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। भाई लोग, यहाँ का जो सरफेस है वो ग्रोस है, जिसकी वजह से होता क्या कि शुरू के 4-5 ओवर या 6 ओवर जो तेज़ गेंदबाज होते हैं, जो उनकी बॉल होते सीम के साथ स्विंग करती है, तो बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जब एक बार बॉल की शाइनिंग खत्म हो जाती है, पिच थोड़ा सा यूज होता है, तो जो बॉल होता है ना बैट पे अच्छे से आता है, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन है बैटिंग कंडीशन है, फिर रन बनना स्टार्ट हो जाता है। बाउंड्री लेंथ की बात करें, एक तरफ 55 मीटर है, एक तरफ 76, तो एक तरफ छोटी है, एक तरफ थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन फिर भी 5-6 ओवर के बाद जब साइनिंग खत्म हो जाती है, जब बॉल बैट पे अच्छे से आता है, तो रन बनना स्टार्ट हो जाता है, चौके छक्के भी लगते हैं, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन है वो बैटिंग कंडीशन है। तो पहले इनिंग की बात हो गई, लेकिन पता दूसरी इनिंग में क्या होता है, न्यू बॉल से तो बॉल स्विंग करता है 4-5 या 6 ओवर, लेकिन जब बॉल पुराना हो जाता है ना, थोड़ा बहुत यहाँ की कंडीशन स्लो हो जाती है, जो स्लोवर गेंदबाज या जो स्पिनर्स गेंदबाज है थोड़ा बहुत उनको भी परचेस मिलने लग जाता है, तो बल्लेबाजी करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए शुरू में मैंने बताया था ना, चेज कम होता है डिफेंड ज़्यादा, क्योंकि पहली इनिंग में सिर्फ तेज़ गेंदबाजों का हेल्प करता है, दूसरी इनिंग में तेज़ गेंदबाजों के साथ साथ स्लोवर गेंदबाजों को भी हेल्प करने लग जाता है। और अक्सर यहाँ पे जो मैच होता है मीडियम स्कोरिंग होता है, वो चेज भी मुश्किल से होते हैं, ज़्यादातर डिफेंड हो जाते हैं। मतलब आज के मैच के पावर प्ले स्कोर की बात करें तो 49 से 54 के बीच में, 20 ओवर स्कोर की बात करें तो 160 से 175 के बीच में देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ के मैदान पर दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स ने 5 मैच खेला, 4 जीते बस 1 हारे, यानी जो सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स की टीम है डेल्स के मैदान पे मैच वाइज ना हारती, भैया 5 में से 4 जीता बस 1 ही हारे हैं। बात करें अगर हम यहाँ पर सीटल ऑर्कस की, तो इन्होंने भी 6 मैच खेला, 4 जीते 2 हारे, तो सीटल ऑर्कस की भी जिस मैदान पर परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ज़्यादा तगड़ी है, 6 में से 4 जीता भैया, बस 2 मैच हारे। लेकिन सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स और सीटल ऑर्कस के बीच में जो इस मैदान पे 1 मैच खेला गया था उससे भी सीटल ऑर्कस ने अपने नाम पे किया था, यानी सैन फ्रांसिस्को इस मैदान पे अभी तक 1 मैच हारा है, वो है सीटल ऑर्कस। सीटल ऑर्कस के सामने हारा, वही टीम इसी मैदान पे सामने है, तो क्या पलटवार कर पाएगा सैन फ्रांसिस्को, या फिर सीटल ऑर्कस बोलेगा नहीं इस मैदान पे हम जीतते तो हम ही जीतेंगे? चलो पता लगाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स की। देखो अगर हम खेमे में चेंजेस की बात करें तो, क्योंकि ये टीम अच्छा खेल रही है, मैचेस जीत रही है, तो शायद कोई भी चेंज ना करे, क्योंकि फिन एलन
लगातार तो नहीं कह सकते, एक आता मैच छोड़कर लगभग सभी मैच में ताबड़तोड़ ठीक ठाक शुरुआत दिला रहे हैं, 30-35-40-50-60 बना दे रहे हैं। अभी मैथ्यू शॉर्ट जब से ओपन करें, क्योंकि जो एक फ्रेशर मैकर आउट ऑफ फॉर्म थे तो उनको बाहर करके मैथ्यू शॉर्ट से ओपन करवाने लग गए, तो मैथ्यू शॉर्ट की जो फॉर्म है भाई साहब वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है, चाहे बल्ले की बात कर लो या गेंद से बात कर लो। बल्ले से भी आते 40-50-60 बना के जाते, गेंदबाजी भी करके 2-3 एक विकेट चटका देते, तो बढ़िया ऑलराउंडर परफॉर्मेंस कर रहे हैं मैथ्यू शॉर्ट। हालांकि जॉस इंग्लिस की बात करें तो जॉस इंग्लिस की भी जो फॉर्म है ना भैया वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, अभी तक एक भी मैच में बढ़िया बल्लेबाजी ना कर पाए, सभी मैच में लगभग फ्लॉप दिखे ये। कोरी एंडरसन की बात करें तो कोरी एंडरसन ने अभी तक बहुत अच्छी बल्लेबाजी नहीं किया, गेंदबाजी नहीं की, लेकिन पिछले मैच में बढ़िया बल्लेबाजी की जरूरत थी, आए बढ़िया बल्लेबाजी करके गए, तो मतलब कप्तानी वाली परफॉर्मेंस करी, लेकिन साथ में भले ही परफॉर्मेंस इतनी अच्छी ना हो लेकिन कप्तानी बढ़िया कर रहे हैं। पिछले मैच में सरफेन रदरफोर्ड को खेलने का मौका मिला, सरफेन रदरफोर्ड भी ज़्यादा कुछ बढ़िया नहीं कर पाए। संजय कृष्णा मूर्ति की बात करें तो ज़्यादा बल्लेबाजी का नंबर आता नहीं, लेकिन पिछले मैच में जरूरत थी तो इन्होंने भी ठीक ठाक बल्लेबाजी करके दिखाई, रन बनाए। हसन खान की बात करें तो हसन खान है बॉलिंग ऑलराउंडर, गेंदबाजी तो लगभग एक मैच में बढ़िया करते थे, एक मैच में थोड़ा सा एवरेज रहते, थोड़ा सा कम गेंदबाजी कराई भी जाती है, लेकिन बल्लेबाजी भी पिछले मैच में तगड़ी करके गए, तो कहीं ना कहीं जो हसन खान है बढ़िया ऑलराउंडर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। पैट कमिंस की बात करें, भले विकेट कम मिला लेकिन जो किफायती होते हैं, जो रणनीति बनाते हैं ना वो काफी ज्यादा जबरदस्त होती है। लियाम प्लंकेट की बात करें, लगातार सभी मैच में विकेट चटकाने की किफायती भी, मतलब किफायती थोड़ा सा कम होता है, रन पड़ जाता है, लेकिन विकेट सभी मैच में चटकाते, विकेट टेकर गेंदबाज है। हारिस रॉक बहुत खतरनाक नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ठीक ठाक कर रहे हैं। और ब्रॉडी कोच की बात करें, जब जब खेलते हैं ना 2-3 विकेट चटका देते, जो गेंदबाजी है ना वो बहुत ज़्यादा तगड़ी चल रही है किसकी, सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स की, लेकिन बल्लेबाजी की बात करें तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी जो है वो आधी अधूरी फॉर्म में, मतलब आधे बल्लेबाज रन बना रहे हैं तो आधे बल्लेबाज फ्लॉप हैं। बात करेंगे यहाँ पे सीटर ऑर्कस की, तो भैया देखो इनके खेमे में 2-3 चेंज हो सकता है, जैसे माइकल ब्रेसवेल की जगह पे इमाद वसीम की वापसी हो सकती है, कीमो पॉल की जगह पे लेंस मॉरिस को जो प्रॉपर तेज गेंदबाज है उनको खिलाया जा सकता है, क्योंकि न्यू बॉल से तगड़ा स्विंग करवाते हैं वो। लुंग एंगेटी की जगह पे ओवेड मकोई को भी खिलाया जा सकता है, मतलब इनके खेमे में 2-3 चेंज हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे बल्लेबाजी की बात करें तो रियान रिकल्टन जब से इनको खिलाने क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं भाई साहब, एक शतक लगाए पिछले मैच में, 80-90 की पारी खेली, एक मैच में 24-25-26 बनाए, एक ही मैच में फ्लॉप है, तो रियान रिकल्टन की जो फॉर्म है तगड़ी है, लेकिन क्विंटन डिकॉक की बात करें तो एक मैच में चलते हैं तो एक मैच में फ्लॉप हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ बढ़िया ना कर पा रहे हैं। सिहान जयसूर्या को पिछले 2-3 मैच से खिलाया गया, पहले मैच में तो तगड़ी बल्लेबाजी करी, सब कुछ हो गए, लेकिन उसके बाद अगले मैच में ये थोड़ा सा फ्लॉप रहे। बात करेगा हम यहाँ पर इमाद वसीम की, जब जब खेले गेंदबाजी काता मैच में बढ़िया करी, लेकिन बल्लेबाजी एक भी मैच में अच्छी ना कर पाए। और माइकल ब्रेसवेल को भी पिछले मैच में मौका मिला, वो भी ज़्यादा कुछ बढ़िया परफॉर्म ना कर पाए। हेनरी क्लासन की बात करें तो इस सीजन में मतलब वही है, एकाता दो मैच में बढ़िया पारी खेली, बाकी एक दो मैच में ये भी फ्लॉप रहे, उतनी अच्छी लय में नहीं दिखे। एरोन जोन्स तो लगातार सभी मैच में फ्लॉप रही है, इनकी जगह पर जो भी खेला एक भी मैच में बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाया। कीमो पॉल ने पिछला जो मैच खेला उसमें ठीक ठाक गेंदबाजी करी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा जबरदस्त या खतरनाक नहीं करी थी। लेंस मॉरिस अगर इनकी जगह पर मौका मिलेगा, जिस तरह से वो न्यू बॉल से स्विंग करवाते हैं ना, डेल्स के मैदान पे काफी बढ़िया हो सकता है मेरे हिसाब से। बाकी हरमीत सिंह की बात करें तो हरमीत सिंह ने अपना काम किया है, लगभग सभी मैच में एक दो विकेट चटकाते, ठीक ठाक परफॉर्मेंस करें, साथ में बल्ले से भी जब भी मौका मिला 15-20 बना देते, बहुत अच्छा नहीं बल्ले से लेकिन गेंदबाजी ठीक ठाक करी है। कैमरून गैनन भी ने जबरदस्त गेंदबाजी करी सभी मैच में, मतलब आए किफायती रहे, विकेट चटकाए, लेकिन इन दोनों के अलावा जैसे लुंगे एंगड़ी को मौका मिला पिछले मैच में, कुछ खास गेंदबाजी नहीं रही, अगर इनकी जगह पे ओबेन मोको है तो जो विरेसन करते हैं उससे फायदा हो सकता है इनको। अली शेख को भी पिछले मैच में मौका मिला तो अली शेख भी ज्यादा कुछ बढ़िया ना कर पाए, नांदे बरकर जितने भी मैच खेले ज्यादा कुछ बढ़िया ना कर पाए, जवान खान की भी सेम कहानी रही। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो जो बल्लेबाजी थी सीटल ओर्कस की आधी अधूरी थी, आधे बल्लेबाज रन बनाते थे तो आधे बल्लेबाज रन नहीं बना पाते थे। गेंदबाजी की बात करें तो एक आता तो गेंदबाज को छोड़कर लगभग सभी गेंदबाज इनके फ्लॉप होते थे, तभी जो अभी तक 5 मैच खेले ना उसमें सिर्फ एक ही जीता, 3 मैच हारे और शायद नहीं 4 मैच हार गए। वहीं अगर हम इन दोनों टीमों के लास्ट 6 मैच के भी यहाँ पे कंपेरिजन करें तो सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न ने जहाँ अपने आखिरी के 6 मैच में 4 जीते 2 हारे बढ़िया परफॉर्म कर रही, वहीं बात करें सीटल ओर्कस की अपने आखिरी के 6 मैच में बस 1 जीता 5 मैच हारे, मतलब इनकी जो दुर्दशा है काफी ज्यादा खराब है। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 161 का, जिसे हम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते, सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न की बात करें तो 170 ये थोड़ा सा बेहतर है लेकिन बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। लेकिन गेंदबाजी एवरेज की बात करें तो 8.27 जो गेंदबाजी एवरेज होता है ना ये बढ़िया होता है, मतलब इनके गेंदबाज 170 के आसपास रन खाते हैं, बल्लेबाज भी उतना पहुंच जाते हैं, तभी आखिरी के 6 मैच में 4 जीते 2 हारे। बात करें सीटल ओर्कस की तो जो इनका गेंदबाजी एवरेज है 8.87, मतलब जो इनके गेंदबाज है ना लगभग 180 के आसपास रन खा जाते हैं, बल्लेबाज 160 तक ही पहुंचते, तो ऐसे में भैया 6 में से एक ही जीतोगे, 5 मैच तो हारना पड़ेगा। तो रिजल्ट देखें तो सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स है काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है किससे, सीटल ओर्कस से। बल्लेबाजी एवरेज में थोड़ा बहुत बेहतर है सीटल ओर्कस से, कौन, सैन फ्रांसिस्को।
गेंदबाजी एवरेज में भी थोड़ा बहुत सन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न सीटर ऑर्कर से बेहतर नजर आ रहा है। तो आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम आएगी और जो मैच होगा उड़ा के ले जाएगी जीतेगी, चलो हम आपको अभी यहाँ तुरंत बता देते हैं। बस उससे पहले वही काम कर दो जो अभी तक ना किया हो, भाई का चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, अगर आपने किया तो आपके लिए तालियां। देखो भाई लोग सारी एनालिसिस करने के बाद जो मैच है ना वो 60 और 40 का, 60 सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स और 40 सीटल ऑर्केस्ट। अगर आप यहाँ पे चाहें जो मजबूत टीम है सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स उसके साथ जा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बात को तो मुझे लगता है जो आज का यह मैच है ना सीटल ऑर्केस्ट अपने नाम पे कर सकता है। इसमें थोड़ा बहुत रिस्क है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो मेरे साथ आ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जो आज का यह मैच है ना सीटल ऑर्केस्ट अपने नाम पे कर सकता है। बाकी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। और भाई लोग आपको पता है टेलीग्राम पे मैं जिस टीम को बोलता हूँ कि भैया ये टीम मैच जीतेगी, लगभग वो टीम मैच जीत जाती है। जिस ओवर में बोलता हूँ विकेट जाएगा, लगभग उसी ओवर में विकेट जाता है। 5-10-15 ओवर में जितने रन बोलता हूँ बनने के लिए लगभग उतने ही रन बनते हैं। तो इतनी जबरदस्त अपडेट कहीं मिलेगी आपको ना जी ना, कहीं भी ना मिलेगी। आपको यकीन नहीं है, ओह ऐसी बात है, तो ऐसा करो अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक मिल जाएगी। जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी। अपसर प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, जाओ ज्वाइन करो। जो आज का मैच है ना इसमें जो भाई की अपडेट है वो आपको चेक करना, अगर आपको सारी अपडेट सही मिलती है, मेरा काम पसंद आता है, टेलीग्राम पे बन जाना, टिक जाना, कहीं जाने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं। अगर काम पसंद ना आए तब आप चले जाना, क्योंकि तब आपको कोई रोक भी नहीं सकता। लेकिन एक बार टेलीग्राम पर जरूर जाएं, भाई का काम चेक करें, फिर आपको जैसा लगे वैसा करना चाहिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस।